Hello, a very good evening, students. So let's begin with numericals of refraction. So the first numerical is two thin lenses of power plus 5 dipter and minus 2.5 dipter are placed in contact. Find the power and focal length of the lens formed after refraction. मतलब कि दो lenses हैं, ठीक है? और दोनों we have two lenses और दोनों combined state में connected है, ठीक है? अब हमने इन दोनों की power को बताना है कि combine करके दोनों की power क्या आएगी. तो obviously जो उसकी net power होगी हम उसको add कर देंगे. So we have given power, एक है plus 5D और एक है minus 2.5D. So net power of combination would be, net power is equal to P1 plus P2. P1 है आपका 5 और P2 है आपका minus 2.5. तो कितना आ जाएगा? Plus minus minus, तो इसका आ जाएगा plus 2.5 dipter. ठीक है? तो power is equal to 1 by F, यानी 1 upon focal length. तो power है हमारे पास plus 2.5 is equal to 1 upon F. तो F हो जाएगा आपका, F is equal to 1 upon 2.5 मीटर. तो अगर हम इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं 2010, ये आपका आ जाएगा 0.4 मीटर. सो द फोकल लेंथ वुड बी 0.4 मीटर. अब फोकल लेंथ पॉजिटिव में आई, इसका मतलब कौन सा लेंस होएगा? कॉन्वेक्स लेंस होएगा. सेकंड क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड. सो वी हैव गिवन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि वी हैव गिवन यू विच इज 12 सेंटीमीटर, और यू हमेशा नेगेटिव को आएगा तो माइनस 12 आएगा, ठीक है? एंड वी हैव गिवन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है आपकी 8, कॉन्वेक्स है तो प्लस 8 आएगी. एंड वी हैव गिवन इमेज डिस्टेंस, वो हमारे पास नहीं है, वो हमको फाइंड आउट करना है इसके अंदर. Now, according to the lens formula क्या कहता है? 1 by F is equal to 1 by V minus 1 upon U. अगर हमको 1 by V find out करना, 1 by V क्या आ जाएगा? 1 by F plus 1 upon U. Now, substituting the values of F and U, F था आपके पास 8, U था 12, तो यहाँ पर माइनस 12 हो गया. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1/24, तो V आ जाएगा आपका प्लस 24 सेंटीमीटर, यानी कि द इमेज डिस्टेंस वुड बी पॉजिटिव. यानी कि कहाँ इमेज बनेगी? ऑन द राइट साइड. जब भी पॉजिटिव होएगी तब राइट साइड पे बनेगी, जब नेगेटिव होएगी तब लेफ्ट साइड पे बनेगी. नाउ अब हम इसके निकाल लेंगे मैग्निफिकेशन. तो M क्या होता है? V अपॉन U. V है 24, U है माइनस 12, तो M कितना आ जाएगा इसका? माइनस 2. तो मैग्निफिकेशन आई आपके पास माइनस 2, यानी कि इमेज इज मैग्निफाइड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बट इनवर्टेड. ठीक है, माइनस 2 क्या इंडिकेट करेगा? जो इमेज है वो मैग्निफाइड तो है ही है, क्योंकि वो जीरो से ज्यादा वैल्यू है, बट इनवर्टेड ड्यू टू नेगेटिव साइन. ओके, अब हमको इस केस में और क्या हाइट निकालनी थी. अब ऑल्सो हाइट क्या होती है? एम इज इक्वल टू इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट. और हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट हाइट है 7 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन कितनी है पास? माइनस 2. माइनस 2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज 7, तो इमेज हाइट कितनी आ जाएगी? माइनस 14 सेंटीमीटर. ठीक है, माइनस का निशान इसलिए है बिकॉज वो इन्वर्टेड इमेज है. सो आपके पास अब हाइट ऑफ इमेज भी आ गई, मैग्निफिकेशन भी आ गई और इमेज डिस्टेंस भी आ गया. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज. Next question.
An object of height 4 cm is placed at a distance of 15 cm in front of a concave lens of power minus 10 dioptrics. Find the size of the image. अब कॉन्केव लेंस है, पावर इसकी नेगेटिव में गिवन है, पावर कितनी है माइनस 10 डी, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ होती है 1/P. ये मीटर में आएगी, बट आपके पास वैल्यूज में सेंटीमीटर में है तो हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 100, क्योंकि अगर हमको वैल्यूज इसमें सेंटीमीटर में चाहिए तो कितनी आ जाएगी माइनस 10 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ कितनी आ गई इसकी, माइनस 10 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव गिवन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि है 4 सेंटीमीटर. जो हमारे पास यू है, यू है हमारे पास माइनस 15 सेंटीमीटर, और हमारे पास हाइट ऑफ इमेज हमको फाइंड आउट करनी है, और हमको वी भी फाइंड आउट करना है. Now, according to the lens formula, 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, or 1 by v is equal to 1 by f plus 1 upon u. Now, putting the values, f tha minus 10, u tha apka minus 15. Theek hai? By solving this, we can get the value minus 1 by 6. तो v कितना आ जाएगा, therefore v is equal to minus 6 centimeter. माइनस साइन है तो ये क्या इंडिकेट करेगा, इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस. नाउ वी फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन. m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और v अपॉन U. तो इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. हाइट ऑफ इमेज हमें आपस में फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी 4 सेंटीमीटर, v है हमारे पास -6, u है हमारे पास -15. कट, -1.6 सेंटीमीटर बाय सॉल्विंग दिस. सो हाइट ऑफ इमेज आ गई 1.6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ उस जो इमेज डिस्टेंस था -6 सेंटीमीटर, एंड द फोकल लेंथ आ गई हमारे पास -10 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पावर एंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉम्बिनेशन लेंस फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग इन कॉन्टेक्ट टू थिन लेंसेज ऑफ पावर 3.2 डाइप्टर एंड -2.2 डाइप्टर. अब पावर, अब टोटल पावर निकाल लेंगे. Power of combination is equal to +3.2 + -2.2. So plus minus minus 3.2 minus 2.2. कितना आ जाएगा इसका, 1. 1 डाइप्टर. ठीक है, पावर इसकी आ गई 1 डाइप्टर. अगर पावर 1 डाइप्टर आ गई तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, इज इक्वल टू 1/P, यानी कि 1/1 इज इक्वल टू 1 मीटर. तो फोकल लेंथ आ गई 1 मीटर. अगर सेंटीमीटर में करना है देन इट वुड बी 100 सेंटीमीटर, और मीटर्स में 1 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लेंसेज, वन डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मतलब कि ऑफ पावर 2 डाइप्टर, एंड द अदर कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग कनकेव, कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स, ऑफ पावर 6D आर कंबाइंड टूगेदर. Calculate the focal length and the power of the combination. अब इसके अंदर जो पावर 1 है, फर्स्ट पावर वो है 2 डाइप्टर, लेकिन वो है डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मतलब कि कनकेव, तो कनकेव की पावर क्या होती है, नेगेटिव. ठीक है, और जो पावर सेकेंड है वो है 6 डाइप्टर, वो है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग यानी कि कॉन्वेक्स, तो पावर आपकी आ जाएगी +6. ठीक है, तो कंबाइंड पावर क्या हो जाएगी, नेट पावर इज इक्वल टू P1 + P2 -2 + 6, यानी कि 4 डाइप्टर्स.
पावर आ गई 4 टैप्टॉस. नाउ द फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 1/P, 1/4, 0.25 meter. ठीक है, 0.25 meter और 25 centimeter. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द पावर वेन डिफरेंट लेंसेज आर गिवन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इज 6 टैप्टॉर. नाउ वी हैव पावर, जो कंबाइंड पावर है, P1 + P2 है हमारे पास 6 टैप्टॉर. इफ वन ऑफ द लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द सेकेंड लेंस. एक लेंस का हमारे पास फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हम उसकी पावर निकाल लेंगे. सपोज F1 हमारे पास गिवन है 25 सेंटीमीटर, F2 हमारे पास नहीं है. अगर हमारे पास F1 गिवन है, F1 इज इक्वल टू 1/P, P इज इक्वल टू 1/F1, बट इज सेंटीमीटर था, टू कन्वर्ट इन टू मीटर वी विल डिवाइड इट बाय 100, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 4 मीटर. यानी कि P1 वहाँ पर हमें फर्स्ट पावर आ गई 4 मीटर और P1 + P2 कितना था, 6. P1 आ गया आपका 4 मीटर, तो P2 कितना हो जाएगा, पावर 2 इज 2 टैप्टॉर. ठीक है, सेकंड पावर आ गया आपके पास 2 टैप्टॉर. अगर पावर 2 टैप्टॉर है तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 1/2, इट मीन्स 0.5 मीटर और 50 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. कन्वर्जिंग लेंस है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. ड्रॉ अ रे डायग्राम and find the position, size and the nature of the image formed. Now for the converging lens, we have the focal length plus 10 centimeter. We have the object height 5 centimeter. We have the object distance minus 25 centimeter. Now according to the lens formula, 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U. और 1/V इज इक्वल टू 1/F + 1/U. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ F एंड U, F कितना था प्लस 10 और U कितना था माइनस 25. बाय सॉल्विंग दिस वी गेट 1/V इज इक्वल टू 3/50. ठीक है, 1/V कितना आ गया, 3/50 और V कितना आ जाएगा 50/3. तो बाय सॉल्विंग इट वी विल गेट आउट द आंसर 16.7 सेंटीमीटर. ठीक है, 16.7 सेंटीमीटर. नाउ अब हमने इसका रे डायग्राम फाइंड आउट करना है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था आपका 25 सेंटीमीटर पे और लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस. ये प्रिंसिपल एक्सिस, सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है और डिस्टेंस कितना था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था आपका 25 सेंटीमीटर. ठीक है, ये इसका ये ऑब्जेक्ट हाइट है, ऑब्जेक्ट हाइट कितनी गिवन है इसमें, 5 सेंटीमीटर. अब जब इमेज गई, जब यहां से रिफ्रेक्ट हुई, ये था इसका फोकस पॉइंट. तो जो इमेज बनी वो कुछ इस पॉइंट पे आके बनी, यानी कि उसको टच नहीं कर रही है. तो इमेज की जो हाइट है वो छोटी है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट, और जो इसका जो डिस्टेंस होएगा इस डिस्टेंस से बहुत ही कम होएगा. यानी कि यहाँ से लेके अगर हम इसको मेजर करते हैं तो ये आपका बन रहा है
16.7 सेंटीमीटर जो आपका वी है और ये राइट हैंड साइड पे है तो वो पॉजिटिव इमेज है. नाउ द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16.67 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड. राइट साइड पे है तो इमेज क्या है इज रियल एंड इनवर्टेड. डू रिमेम्बर लेफ्ट साइड में अगर जब इमेज बनती है तब वर्चुअल रेक्ट बनेगी इन केस ऑफ अ लेंस एंड इन केस ऑफ अ मिरर अगर लेफ्ट साइड पे इमेज बनती है तो बनती है रियल इन्वर्टेड. इन केस ऑफ अ लेंस अगर राइट हैंड साइड पे इमेज बनेगी तो बनती है यानी कि ये इमेज कहाँ बनी राइट हैंड साइड पे तो ये इमेज थी रियल इन्वर्टेड. अगर बनती लेफ्ट पे तो बनती वर्चुअल रेक्ट. ठीक है तो मिरर में उल्टा होता है. मिरर में लेफ्ट पे रियल बनती है और राइट पे वर्चुअल बनती है लेकिन लेंस में लेफ्ट में बनती है वर्चुअल राइट में बनती है रियल. सो दोनों में उल्टा चलता है तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. नाउ साइज फाइंड आउट करेंगे. हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी अपॉन यू. इमेज हाइट इज इक्वल टू वी इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यू. अब v कितना था 50/3. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी h o था इस केस में हमारे पास 5 और u था हमारे पास -25 -2 यानी कि -10/3 इसका आ जाएगा 3.3 माइनस. तो माइनस साइन इंडिकेट की जो इमेज है वो क्या है रियल एंड inverted image. So we have done total 8 numericals today. So just have a look on these numericals and if you face any doubt then just intimate me.